नहार, बेटा तुमने रूही को देखा क्या? ना रूही मंडप पे है, ना जूही के पास है, और पूनम जी भी नहीं दिख रही है। बेटा मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ छोटी माँ? शादी है, ये सब तो होता ही है, और औरतें थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं। यहीं कहीं होगी, मैं जाके देखता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आया। ठीक है, जाओ। मैं अब ज्यादा देर तक सच नहीं छुपा सकती, मुझे नाहर जी को सब सच बताना ही होगा। जल्दी कीजिए, दुल्हन को बुलाइए। सुनी, जूही कहाँ है? पक्का सब ठीक है ना? ठीक है माँ जी। दुल्हन अभी तक नहीं आई, क्या चल क्या रहा है? आ बेटा। जूही, तुम ठीक हो? और ये वही कहाँ है? पता नहीं, कहीं दिख नहीं रही है मुझे। भाभी, आपको बाहर पंडित जी बुला रहे, चले। अब नहीं, मैं काम करूँ, तुम जूही को लेके जाओ, मैं देखता हूँ वही कहाँ है। जी भैया, चलिए भाभी। दुल्हन को हमेशा उसकी बहन मंडप में लेकर आती है, पर यहाँ दूल्हे की बहन लेकर आ रही है, और इस रूही का कोई अता पता ही नहीं। मंडप में बैठने से पहले दूल्हा दुल्हन का एक फोटो तो बनता है। हाँ। जो करना है जल्दी करो। हाँ दादी, सब लोग इधर देखो। मैं जानता हूँ तुम मुझे उतना पसंद नहीं करती जितना मैं करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारा बेस्ट हमसफर बनूंगा, हर कदम पे तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे उतना प्यार करता हूँ। समर भैया कितना प्यार करते हैं जूही से, शायद दादी सही कह रही थी, जूही बचपन में भागी, पर यह शादी उसके लिए सही। रूही है कहाँ? कॉल कर लेता हूँ। फोन तो वाइब्रेट होगा। ये चूड़ियां तो रूही की हैं, कहीं दुल्हन के जोड़े में रूही तो नहीं? मैं मंडप पे नहीं बैठ सकती, मैं अपने परिवार को धोखा नहीं दे सकती, मुझे सबको सच बताना ही होगा। एक सेकंड जूही,
कि लाइट को क्या हो गया अचानक दासु? दादू लगता है कोई फ्यूज उड़ गया होगा, मैं अभी देख के आता हूँ। हाँ अरे बेटा मैंने जनरेटर मंगवाया था, वो ऑन करवा दो ना। मैं अभी करवा के आता हूँ, आप प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं अभी आता हूँ। ये कैसा इंतजाम किया है आपने, शादी के दिन भी बिजली ठीक से नहीं आ रही। दादी लाइट तो कल हमारे यहाँ भी गई थी ना, अब इसमें इनकी क्या गलती? और गर्मी उसका क्या? आनिल चूही, ये आज का जमाना है, तुमने इतना लंबा घूंघट क्यों लिया है? मेरा मतलब आज तुम दोनों की शादी है, फोटोज तो अच्छी आनी चाहिए ना। ठीक है जीजू, शादी के लिए राजी नहीं हुई तो आपका नंबर मेरा। ठीक है दादी, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी, आप घर चलिए प्लीज, चलिए मैं कर लूंगी ये शादी। वर वधू एक दूसरे को माला पहना है। अब आगे की विधि के लिए आप दोनों अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब आप वर वधु का गठबंधन कर दीजिए। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाएं। प्रथम के चार फेरे वर आगे रह के पूरा करें। आगे के फेरे वधू आगे रहकर पूरा करें।
फेरों की विधि संपन्न हुई। अब वर वधु के गले में मंगलसूत्र पहनाए। अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरे। जैसे मेरे और नाहार जी के रिश्ते में प्यार है, उससे कई गुना ज्यादा प्यार मेरी बहन और समर भैया के जीवन में आए, और हम दोनों बहन खुशी खुशी अपने परिवार के साथ। खुश रहो। जीवन के हर सफर में एक दूसरे का साथ देना, हर धूप छांव में, हर अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे के हम सफर बने रहना और एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करना। आखिरकार मेरी जूही की शादी भी एक अमीर घर में हो गई, मेरे घर भी एक अमीर बहू आ गई। अब जाकर मैं चैन की सांस लूंगी। खुश रहो। समर की जिद के कारण मैंने तुम्हें बहू तो बना लिया जूही, पर पता नहीं मैं तुम्हें बहू के रूप में कभी अपना पाऊंगी कि नहीं। सदा खुश। Welcome to family. हे भगवान, कितना कुछ सोचा था कि हंगामा करूंगी, सबके सामने इसकी पोल खोलूंगी, लेकिन इसने मुझे बांध कर सारा खेल बिगाड़ दिया। अब इस वीडियो का क्या फायदा? अब तो कुछ और ही सोचना होगा। बाहर सारी गाड़ियां आ गई हैं, चलें। हाँ चलो चलो। रोहित। रोहित, तुम क्यों रो रही? जूही तो तुम्हारे पास ही आ रही है। वही तो समझ नहीं आ रहे नार्ज, ये जूही की विदाई के आंसू है या उसके घर आने की खुशी के आंसू है। बस नार्जी, मैं अभी है। चलो चलो।
रुचिता, निहार, बेटा आज जूही की शादी करवा करके मैंने अपनी दोनों जिम्मेदारियां पूरी कर ली। दोनों ही बच्चियां एक ही परिवार में ब्याही गई है और खानदान भी बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे जूही को लेकर के बहुत फिक्र होती। दादू, दादू जूही की फिक्र करने के लिए मैं हूं ना, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बेटा तू रुचिता की परछाई है और जूही निहार का ही पुत्र है। जिम्मेदारियां निभाना निहार को रुचिता नहीं सिखा रहा था, तू जूही को यहां से विदा करके तो ले जा रही है, लेकिन उसमें अभी भी बहुत बचपन है बेटा। जानती हूं दादू, पर मम्मी हमेशा कहती थी ना कि एक उनके दिल और एक उनकी जान, तो दिल और जान को तो एक साथ ही रहना चाहिए ना। बिल्कुल सही कह रही हो बेटा, लेकिन मुझे डर है कि एक ही परिवार में रहते हुए दोनों बहनों के प्यार भरे रिश्ते पर देवरानी और जेठानी का रिश्ता हावी न हो जाए। दादू ऐसा कुछ नहीं होगा, और दादू आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं जूही को कोई तकलीफ नहीं आने दूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। दादी ने अपनी जिद में मुझसे ये शादी करवा तो दी, पर पता नहीं मैं निभा पाऊंगी या नहीं। जूही, अब अपने सीधे पैर से कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अबनी, ये चप्पल क्यों नहीं निकल तरीका था कलश गिराने का? कलश को हल्के से पैर से गिराना था, ना कि फुटबॉल की तरह लात मारनी थी। अभी किसी को चोट लग जाती तो? सॉरी दादी। सॉरी दादी जी, सॉरी मम्मी जी, गलती से हो गया। जूही, कोई बात नहीं, जूही के लिए ये सब नया है, इसलिए उससे गलती हो गई। माँ जी, ये तो हमें भी पता है गलती से हुआ है या जानबूझकर। अबनी बेटा जी, भाभी अब अंदर आइए।
आराम से। माँ जी, माँ जी, रहने दीजिए ना, बचपना है इसका, रस्मों रिवाज को समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। जूही, क्या करिए तू? आराम से कर, जानबूझ के थोड़ा ना कर रही हूँ। कैसे हो गया? चलो चलो, जूही भाभी, आपका हमारे परिवार में स्वागत है।